तो दोस्तों, आजकल आप सभी जानते हो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ पूरी दुनिया के अंदर करी जा रही है, क्योंकि भारत टिट फॉर टिट वाली विदेश नीति अपना रहा है। यानी भारत के साथ तुम जैसा करोगे, भारत भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। और ऐसा ही काम भारत ने ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की के साथ कर डाला है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी 22 से 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका की यात्रा पर जाएंगे, जहां पर वो ब्रिक्स समिट के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। पर जैसे ही वो इस समिट को कंप्लीट करके वापस लौटेंगे, तो 25 अगस्त को वो एक दिवसीय यात्रा पर ग्रीस जाने वाले हैं। और इस दौरे के दौरान भारत और ग्रीस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर हस्ताक्षर होने वाले हैं, जिससे भारत और ग्रीस की दोस्ती और बढ़ जाएगी। और यह खबर तुर्की के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि तुर्की का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन माना जाता है ग्रीस। आप सभी देखिए, यह है मैप में हमारा भारत, और भारत से उत्तर पश्चिम के साइड पर पड़ता है ग्रीस। और ग्रीस के साथ भारत की दोस्ती गहरी होने से भारत को एक फायदा यह मिलेगा कि ग्रीस भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार बन जाएगा। और इसके बारे में ग्रीस ने खुद भारत से रिक्वेस्ट करी है, जिसका आर्टिकल आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि हम भारत के लिए यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में काम करना चाहते हैं। इससे भारत के साथ हम अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे, क्योंकि भारत का जो सारा माल है वो यहाँ से स्वेज कनाल से होते हुए यूरोप जाता है। और ऐसे में यदि ग्रीस का एक बंदरगाह भारत को मिल जाएगा, तो भारत का माल बड़ी आसानी से यूरोप पहुंचेगा और हमारा यूरोप के साथ व्यापार बढ़ेगा, साथ में ग्रीस के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। अभी फिलहाल में यूरोप वालों के साथ हमारा $135 बिलियन के आसपास का व्यापार होता है, यानी करीब करीब 11 लाख करोड़ के आसपास का व्यापार होता है, जिसमें से $74 बिलियन का सामान हम यूरोप वालों को बेचते हैं, यानी 6,18,000 करोड़ का। वहीं यूरोप से करीब $60 बिलियन का हम इम्पोर्ट करते हैं, यानी 4,98,000 करोड़ के आसपास का इम्पोर्ट हम यूरोप से करते हैं। और यदि ग्रीस के साथ हमारी दोस्ती मजबूत हो जाती है, तो यह व्यापार और बढ़ेगा और भारत को और लाभ मिलेगा। और साथ में तुर्की को भी काउंटर करने में भारत को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि फिर भारत ग्रीस और तुर्की के मुद्दे में ग्रीस का समर्थन करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।